एक्सरसाइज 3.4 शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है, बताइए निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, तथा कौन हो भी सकता है, यानी कौन सा हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या पूछा, यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, यानी कहने का मतलब ये है, आज आप कल से अधिक आयु के हैं। तो कहने का मतलब ये है, आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो ये क्या है, निश्चित है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स मिले थे राइटिंग पे, ठीक है, इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि आप भी ऐसे ही लिखें जैसे मैं लिखता हूं। तो यहां लिखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर, इट इज सर्टेन टू हैपन, ठीक है, हिंदी मीडियम लिखे यहां पे, इसका होना निश्चित है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आज आप 12 वर्ष के हैं तो कल 13 वर्ष के होंगे, ये क्या है, निश्चित है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए, सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा, अ टॉस्ड क्वाइन विल लैंड हेड अप, यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा, एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं, ठीक है, अगर हम उछालते हैं तो चित आएगा, ये कंफर्म तो नहीं है कि चीती आएगा, पट भी आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं हो सकता है। मान लीजिए कोई सिक्का है, उसको ऊपर उछालते हैं तो चित थोड़े नहीं आएगा, कोई गारंटी थोड़े नहीं है कि चीती आएगा, पट भी आ सकता है, ये निश्चित रूप से नहीं है। तो चलिए यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखिए सेकंड पार्ट, ठीक है, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है, हिंदी मीडियम लिखे यहां पे, यह हो सकता है ठीक है परंतु निश्चित रूप से नहीं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, एक सिक्के को ऊपर उछालेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि चित्ती आएगा, पट भी आ सकता है, इसलिए यह हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। तो देखिए, थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा, अ डाई वेन टोस्ड सैड लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप, यानी कहने का मतलब ये है, एक पासे को फेंकते हैं तो 8 आएगा, ये कोई गारंटी थोड़े नहीं है कि एक पासे को हम फेंकेंगे तो 8 ही आएगा, नहीं आएगा, तो ये क्या लिखेंगे हम, इसका होना असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। चलिए यहां पे लिखते हैं थर्ड पार्ट में, ठीक है, तो यहां लिखिए इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, हिंदी मीडियम लिखे, इसका होना असंभव है,
कोई गारंटी थोड़े नहीं है कि हम पास ए को फेंकते हैं तो एट ही आएगा, सेवन भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है, इसलिए इट इज इम्पॉसिबल, इसका होना असंभव है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या पूछा, द नेक्स्ट ट्रॉफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, यानी कहने का मतलब यह है अगली ट्रैफिक की जो लाइट होती है वो ग्रीन दिखेगी। ये कोई गारंटी थोड़े नहीं है कि हम रोड पे निकल रहे हैं तो जो ट्रैफिक पड़ेगा ग्रीन ही मिलेगा, रेड भी मिल सकता है ना, तो इसलिए यह हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। चलिए यहां पे लिखते हैं फोर्थ पार्ट में, यहां पे लिखिए इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है, हिंदी मीडियम लिखें, यह हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। कोई गारंटी थोड़े नहीं है कि हम रोड पे जा रहे हैं तो ग्रीन ही लाइट मिलेगी, रेड भी मिल सकता है, इसलिए इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी यह हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। चलिए फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में इन्होंने क्या पूछा, टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, यानी कहने का मतलब ये है कल बादल घिरे होंगे, ये कोई गारंटी थोड़े नहीं कल बादल घिरे होंगे, नहीं भी हो सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे यह हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। यहां लिखिए इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है, हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे, यह हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। बस सॉल्व है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर टू डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।